नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू। एक नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गणतंत्र दिवस परेड के नहीं होंगे मुख्य अतिथि, व्यस्तताओं को बताया कारण। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने दिया बेटे को जन्म, शोएब मलिक ने दी ट्विटर पर जानकारी, फैंस का जताया शुक्रिया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी का दौर जारी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरती कीमतों से जनता को मिल रही राहत। राजस्थान क्रिकेट संघ पर संकट का दौर जारी, स्पोर्ट्स काउंसिल ने एडहॉक कमेटी को दी 3 दिन के लिए ताले खोलने की अनुमति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी व्यस्तताओं की वजह से अगले साल भारत में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में भाग नहीं ले पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल वॉशिंगटन में वार्ता के दौरान ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया था। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी से कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप 26 जनवरी 2019 को भारत की गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए जाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण को पाकर सम्मानित महसूस करते हैं, लेकिन वह पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण इसमें भाग लेने में असमर्थ है। ऐसा बताया जा रहा है कि जब भारत गणतंत्र दिवस मनाएगा उसी समय ट्रंप अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को वार्षिक स्टेट ऑफ यूनियन संबोधन के तहत संबोधित कर सकते हैं। राजधानी में प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। राजधानी को प्रदूषित हवा से अभी तक राहत नहीं मिल पा रही है। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में स्थापित 29 मॉनिटरिंग स्टेशन पर वायु की गुणवत्ता बेहद खराब रही, जबकि 4 स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक वायु गुणवत्ता सूचकांक 367 के स्तर पर रहा, लेकिन PM2.5 और PM10 में होने वाली बढ़ोतरी से आम लोगों की सेहत पर प्रदूषण का खतरा और भी गहराने लगा है। बोर्ड के मुताबिक अगले 2 दिन में हालात और बिगड़ सकते हैं। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के घर नया मेहमान आया है। सानिया मिर्जा ने मंगलवार को एक बेटे को जन्म दिया। पति शोएब ने ट्विटर पर यह खुशखबरी अपने फैंस के साथ शेयर की। शोएब मलिक ने फैंस का दुआओं के लिए शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि बताते हुए बेहद उत्साहित हूँ, लड़का हुआ है और मेरी गर्ल सानिया बिल्कुल ठीक है और हमेशा की तरह मजबूत है। आपकी दुआओं और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। शोएब ने आखिर में हैशटैग लगाते हुए लिखा, बेबी मिर्जा मलिक। सानिया और शोएब की शादी साल 2010 में हुई थी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। मंगलवार को 13वें दिन भी पेट्रोल की कीमतों में कटौती हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 20 पैसे और डीजल की कीमतों में 7 पैसे की कटौती की गई है। अब राजधानी में पेट्रोल और डीजल की कीमत 79.55 रुपए और 73.78 रुपए प्रति लीटर हो गई है। गौरतलब है कि 18 अक्टूबर से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की जा रही है। इस दौरान पेट्रोल के दाम 3 रुपए से ज्यादा जबकि डीजल के दाम 2 रुपए के करीब घट चुके हैं। दरअसल तेल की कीमतों में लगातार हो रही गिरावट का कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में नरमी है। रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर पदों पर सीधी भर्ती नहीं होगी, इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल रेलवे बोर्ड ने 3 सितंबर 2009 को विभिन्न कैटेगरी में खाली पड़े एसएसई के पदों को 20% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरने का निर्णय लिया था। एनडब्ल्यूआरईयू के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुभाष पारिक ने बताया कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक एमएम राय ने सभी जोनल रेलवेज को एक आदेश जारी किया है, जिसमें यह निर्देश दिए गए हैं कि 25 नवंबर से आगामी 1 साल तक विभिन्न विभागों में खाली पड़े हुए एसएसई के पदों को अब सीधी भर्ती के जरिए नहीं भरा जाएगा। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा पुलिस विभाग के लिए सरदर्द बन गई है। एटीएस और एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर पर्चा लीक करने वाले रैकेट का खुलासा कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें जयपुर निवासी जितेंद्र चौधरी, मुरलीपुरा में मरोधरा कोचिंग सेंटर का संचालक तथा झालरा दौसा निवासी जितेंद्र राव राजसमंद में ग्राम सेवक है। आरोपियों ने 4-4 लाख रुपए लेकर 30 से ज्यादा अभ्यर्थियों को पर्चा व आंसर की उपलब्ध कराई थी। अन्य आरोपियों में अजय यादव, सुरेश कुमार, विकास, राजेश कुमार, राजेंद्र, ओमवीर सिंह और कालादेरा निवासी राधेश्याम शामिल हैं। जेल विभाग के डीजी भूपेंद्र सिंह यादव ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर पेपर लीक होने की बात सामने आई है। एक पारी का पर्चा लीक हुआ है, जांच करने के बाद आगे का निर्णय लेंगे।
जयपुर नगर निगम की ओर से लगाई गई 8000 रोड लाइटें दीपावली पर भी ठीक नहीं हो पाएंगी। निगम ने एक साल पहले 10000 एलईडी रोड लाइट खरीद कर लगवाई थी, लेकिन उनकी मेंटेनेंस की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसके चलते जो एलईडी लाइट खराब हुई हैं, वे अब तक ठीक नहीं हो पाई। नगर निगम शहर में रोड लाइटों को ठीक करने पर सालाना करीब 5 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करता है। इसके बावजूद शहर में रोजाना 600 रोड लाइटें रोज खराब होने की शिकायतें आती हैं। इनमें से आधी शिकायतों का भी निस्तारण नहीं हो पाता। रोड लाइट की शिकायतों को कंट्रोल रूम में बैठे कर्मचारी और मेंटेनेंस के ठेकेदार ही आपसे मिली भगत से फाइलों में ही ठीक होना बता देते हैं। जयपुर के मालवीय नगर स्थित गौरव टावर में बम होने की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। बम की सूचना पर पुलिस, एसटीएस, डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता, अग्निशमन वाहन और क्यूआरटी टीम पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एक घंटे के बाद में बम निरोधक दस्ता ने डस्टबिन में रखे डिब्बे को बाहर निकाला और कार्रवाई पूरी की। तब लोगों को पता चला कि यह मॉक ड्रिल थी। पुलिस को गौरव टावर के ग्राउंड फ्लोर पर एक डस्टबिन में बम मिलने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अलग अलग टीमों के साथ गौरव टावर पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने जीटी में बम को ढूंढने के लिए सर्च किया। राजस्थान क्रिकेट संघ के ताले 3 दिन के लिए खुल गए हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल ने एडहॉक कमेटी के कन्वीनर विनोद सहारन को इस संबंध में पत्र लिखकर जानकारी दी। इन 3 दिनों में एडहॉक कमेटी को आवश्यक दस्तावेज ले जाने की अनुमति दी गई है। एडहॉक कमेटी ने इस संबंध में स्पोर्ट्स काउंसिल को पत्र लिखकर अनुमति मांगी थी। स्पोर्ट्स काउंसिल से रिक्वेस्ट की गई थी कि हमारे कुछ लीगल ऑब्लिगेशन है, RCA के, जैसे GST का पेमेंट है, इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है, ऑडिट कराना है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि RCA का ऑफिस जो खोला जाए, जिससे कि ये लीगल ऑब्लिगेशन RCA पूरे कर सके। इस बुलेटिन की ये थी अभी तक की खास खबरें। बने रहिए द एंगल के साथ। नमस्कार।